झारखंड में स्वास्थ्य विभाग खस्ता हाल है। सरकार के दावे फेल हो रहे हैं। मरीजों का सरकारी अस्पतालों में ना तो इलाज हो पाता है और ना ही उन्हें मुफ्त दवाई दी जाती है। सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं लाई है, लेकिन इन योजनाओं के लिए ना तो पैसे हैं और ना ही इनका लाभ गरीबों तक पहुंच पाता है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते या फंड की कमी के चलते गरीबों तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पाती जिनके वो हकदार हैं। मेरा एक भाई है जो असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री असाध्य रोग के लिए एक आवेदन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसीलिए सरकारी योजना के तहत मुझे मेरे भाई को लाभ दिया जाए, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। हम आए हैं, मेरा भाई का गंभीर बीमारी है, मुख्यमंत्री योजना की तरफ से हम लोग लाभ लेने के लिए आए हुए हैं। मरीजों का हाल बेहाल है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ योजनाओं का लॉलीपॉप दिया जाता है, लेकिन गरीबों का हक कोई दूसरा ही डकार जाता है। झारखंड सरकार के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना गिरिडीह जिला में दम तोड़ रही है। गंभीर बीमारी से पीड़ित जिले के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। 6 माह से बीमार मरीज के परिजन सरकारी दफ्तर और सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर लगाकर परेशान है। सूबे की सरकार ने गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का इलाज कराने में वित्तीय मदद के लिए योजना बनाई, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी लाभ लेने के लिए मरीज के परिजन जरूरी कागजात लेकर सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। जिले में असाध्य रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनके परिजन जरूरी कागजों के साथ दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं और कोई नेता से पैरवी करवा रहा है तो कोई सीधे फरियाद अधिकारी को सुना रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये जवाब दे रहा है कि उसके पास पैसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना का जहाँ तक प्रश्न है, तो हमने उसको देखा है फाइल, तो जितने पैसे आए वो बढ़ चुके हैं, लेकिन संभावना है कि अक्टूबर से लगभग 100 फाइल वो पैसा नहीं रहने के चलते अभी पेंडिंग है। उन पेपर चिट्ठी जो लिखना है तो पत्रचार भी हमने कर दिया है, जो ही आता है तो रेस्ट को एकदम स्क्रूटनी हम लोग कर ले रहे हैं। पहले आया तो सिर्फ कैसा फल देना रह जाएगा। सरकार ने योजना को तो लागू कर दिया, लेकिन खजाने खाली हैं, ऐसा अधिकारी बता रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रामरेखा प्रसाद कहते हैं कि उनके पास असाध्य रोगियों के 100 से अधिक आवेदन पड़े हैं, पर इस मद में उनके पास मात्र 6000 रुपए ही हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि फंड नहीं है। अगर फंड ही नहीं है तो जनता को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है, जनता को क्यों ठगा जा रहा है, क्यों जनता को उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है? आखिर कब तक योजनाओं के नाम पर लाचार बीमार मरीजों को ठगा जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट APN।